नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तंदुरुस्ती से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित तमाम वो नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं जिसकी वजह से आप अपने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे, जिन्हें दादी नानी के नुस्खे के नाम से जाना जाता है, घरों में अक्सर वो पहले के दौर में इस्तेमाल किए जाते थे, जिस वजह से हम में से बहुत से जो ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे, पुराने लोग जो डॉक्टर्स के पास कम जाते थे और कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो तो घर में ही उसका उपचार करते थे। लेकिन आजकल के इस दौर में जहाँ एक और समय नहीं है घर में इन सब तरीके के उपाय करने का, नुस्खे आजमाने का, वहीं दूसरी ओर समस्या है, हमें जानकारी का अभाव है। तो ये दोनों ही चीज़ें कैसे आप सामंजस्य बिठा सकते हैं और दोनों ही चीज़ों को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं और उनका समाधान हम कैसे ढूंढ सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको दैनिक दिनचर्या से लेकर आपके स्वास्थ्य, आपके भोजन और आपकी जीवन की जो शैली है उस तक को प्रभावित करने वाली चीज़ें बताई जाती हैं। यानी जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन उनसे हम कैसे स्वयं लड़ सकते हैं, उनको पराजित कैसे कर सकते हैं, वो सारे नुस्खे, वो उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करें अपनी स्वास्थ्य और अपनी सेहत के प्रति। और इसीलिए आप सभी से हम गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, जो भी नुस्खे आपको बताए जाए उनको आप लिख लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, हमने अपने पहले के अंकों में भी काफ़ी चर्चा की है पेट की गड़बड़ी को लेकर, त्योहारों के मौसम में पेट खराब होना की उसकी वजह क्या होती है, लेकिन मैं अब जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि समाधान क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है और क्या तरीका है भोजन का, क्या तरीका है मिठाइयों का, क्या तरीका है फलाहार का, क्योंकि शुद्धता तो किसी में भी नहीं है। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका चयन कैसे करें, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो मिठाइयाँ हों। देखो, मिठाइयों में तो आप जितना कम से कम सेवन करें उतना अच्छे रहेंगे जी। फलों में जहाँ पे थोक की दुकानें हैं वहाँ से जाके आप जो सजा के रखे फल उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने पेटियों में जो बंद कर रखा है, जो पहले की बंद है पीछे से, उस फल को निकला करके यदि आप लेते हैं तो आपको उससे किसी किस्म का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु जो सजा करके रखा जाता है, इसको पानी के अंदर केमिकल रख के उसके अंदर रखा जाता है, तो जो आपका फल बिल्कुल सिकुड़ चुका है वो भी उस केमिकल के प्रभाव से ऐसा होता है जैसे पेड़ से अभी तोड़ के लाए, उसमें चमक भी बहुत ज़्यादा होती है। परंतु जो नेचुरली फल है जिसपे किसी किस्म का केमिकल नहीं है वो हमेशा आपको फीके रंग का मिलेगा, उसमें चमक नहीं होगी। और एक बात का ध्यान और रखना, चाहे आप फल खाएं, चाहे जो भी चीज़ खाएं, हमेशा लिमिट से। जिस फल का छिलका पतला है वो छिलके के साथ खाएं, जिसका छिलका सख्त है, मोटा है, वो छिलका उतार के खाएं जी। अब जैसे अखरोट है तो अखरोट की सिर्फ गिरी खाई जाती है, छिलका नहीं खाया जाता। बादाम है, इसके दो तरीके खाने के,
तोड़ने के बाद जो इसका छिलका पानी में रख के पहले इसको फूलने दे, छिलका उतार के इसको खाते हैं तो लाभ ज़्यादा है, और छिलके के साथ खाते हैं तो इसका लाभ कम है। चिलगोजा है, ये भी ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, कम मात्रा में खाएं। परंतु काजू फल से जितना परहेज कर सके, चाहे इसको तल के भून के खाएं चाहे कच्चा खाएं, वो नुकसान करेगा करेगा। खून को गाढ़ा करने के लिए, पेट को जाम करने के लिए, बवासीर वाले की बवासीर बढ़ाने के लिए काजू एक किस्म का अमृत है। छुहारा, किशमिश, चिलगोजा, चिरौंजी, ये चीज़ें जो हैं लिमिट मात्रा में खाते हैं तो लाभ भी देती हैं और नुकसान कोई नहीं करते। परंतु यदि इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाए तो आपको पेट में गर्मी ज़्यादा पैदा करती हैं, तो इससे भी साइड इफेक्ट होते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ कि यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण ये समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं। आप सब जनों की वजह से सफलता मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर वीपी वर्मा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम NIT श्रीनगर कश्मीर, और कुछ सालों से गुड़गांव में रह रहा हूँ। और ये मेरे वीरेंद्र सिंह हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और इनको 2014 में कुछ ट्यूमर, बड़ा हल्का सा ट्यूमर बताया, और जब सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि ये बहुत छोटा है और इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लाइटली लिया और हम भी चुप हो गए कि कोई बात नहीं। बाद में 2019 में इनको बहुत बड़ा एपिलेप्सी का अटैक आया जिसमें ये बेहोश हो गए, और घर वाले हम सब घबरा गए। फिर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि भई ये तो ट्यूमर है, और फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, गुड़गांव के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब लोग, सब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि भई ये थर्ड ग्रेड का ट्यूमर है और ये कैंसरस है, तो इसके लिए सर्जरी भी ज़रा मुश्किल है। पर एक डॉक्टर है पारस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बड़े रेनॉन्ड सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन, तो उन्होंने इनका ऑपरेशन किया 29 अप्रैल 2019 को। तो ऑपरेशन के बाद इलाज चलता रहा, उसके बाद रेडिएशन पे रखा इनको, रेडिएशन के बाद कीमो दिया, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में उनके साथ रहते रहते ऐसा लगा कि डॉक्टर भी अपनी विवशता एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अब क्या किया जाए। एक कोई लास्ट में दवाई बताई कि एक दवाई है, पर उसका ये करेक्टरिस्टिक है कि अगर वो दवाई ठीक लग जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पर अगर ना लगे तो पेशेंट का लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द मीन टाइम बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पता लगा, हमारा बेटा एक US ह्यूस्टन में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने इनका एक मुझे लिंक भेजा, और वैसे भी हम टीवी में देखते थे इनको और इनका प्रोग्राम सुनते थे, तो
तो फिर इनको कॉन्टेक्ट किया तो इन्होंने कहा भी आप हमारे पास रोगी को लाइए, उसकी नब्ज़ दिखाइए, उसके बाद देखते हैं। तो इनको नब्ज़ दिखाने के लिए आया और ये बाबा जी ने बड़े प्रेम से नब्ज़ देखी और उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखीं और दवाइयों के साथ साथ मालिश के लिए भी हर्बल ट्रीटमेंट दिया। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 23 नवंबर 2019 को हम बाबा के पास आए थे और उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा हमारा हिल नहीं सकता था वो अब धीरे धीरे चलने लगा है और इतना ही नहीं अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है। और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हमारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने परोपकार में सफलता दे और बाबा जी की आयु जो है वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहें। मेरा नाम शीश पासी है और मैं सहारनपुर ज़िले से रहता हूँ, सहारनपुर ज़िले में ही रहता हूँ, गांव मेरा सफदलपुर है। मेरे गले में पिछले फरवरी को कमी आई थी, मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को एलोपैथिक वालों को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपका गला ठीक है, उन्होंने चेकअप किए। मैंने कहा जब मेरा गला ठीक है तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं खुल रही। उन्होंने दवाई देते रहे, फिर दवाई देते रहे, मैं लेता रहा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद मैंने जो है दवाई ऑपरेशन रखी उनके लिए, गले में कोई कमी ना हो जाता, मैं खाता रहा, लेकिन थोड़ा आराम मिलता बस ऐसा ही थोड़ा बहुत ही दवाइयों से। उसके बाद मुझे जो है लगभग 10 महीने बाद मैं देहरादून चला गया और देहरादून जा करके मैंने डॉक्टर है जो नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है उससे चेकअप कराया। उसने जो है 2-3 दिन से चेक किया और गला में बताया कि आपके गले में कमी है, आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए जोली ग्रांट जा करके। उन्होंने जोली ग्रांट लिख दिया, मैं जोली ग्रांट चले गया। जोली ग्रांट जाने के बाद डॉक्टर ने जो है मेरा दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिया। जब मेरा ऑपरेशन हो गया उन्होंने दवाई दे दी और कहने लगे कि आप जो है 1 सप्ताह बाद अपनी रिपोर्ट, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्टें लिख करवाई, सारे शरीर की सीटी स्कैन भी कराया और पूरे शरीर की मतलब जो खून की जांच कराई, हर चीज़ की जांच करी, तो उन्होंने जांच करवा के ऑपरेशन करके मेरा मुझे कह दिया 7 दिन के बाद आप रिपोर्ट ले जाना। जब मैं 7वें 8वें दिन गया तो उन्होंने रिपोर्ट दी, मुझे कहने लगे आपके गले में कैंसर हो गया है और आप इसकी सफाई करवा लीजिए मशीनों द्वारा, और कोई इलाज नहीं है इसका। मैं इतनी बात सुन करके अपने घर चलाया सहारनपुर, स्वस्थ विचार वालों का प्रोग्राम देख रहा था, मेरे दिमाग में आ गई कि एक बार मैं स्वस्थ विचार वालों के यहाँ जाकर दिखाऊँ। फिर मैं अगले दिन दिल्ली चलाया और दिल्ली रात को रहा, फिर सुबह यहाँ आया मैं, तो मैंने जो यहाँ पर से दिखाया गुरु जी ने जो है नाड़ी देखी,
नंबर देख करके दवाई उन्होंने एकदम बता दिया मुझे कि आपके गले में बहुत बड़ी कमी है, बहुत खराबी आ रखी है। मैंने कहा डॉक्टर लोग कह रहे थे कि इसमें कैंसर आ गया, मैं लगा इसमें कैंसर बिल्कुल ही नहीं है, आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपके अंतों में भी कमी आ रखी है, आप यहाँ से दवाई ले जाएं और मेरी दवाई खाएं, और खाएं कब यदि आप परहेज कर सकते हो तब मेरी दवाई ले जाना, नहीं तो मेरी दवाई आराम नहीं देनी है। मैं अपना दम भर के गुरु जी के यहाँ से स्वस्थ विचार वालों से दवाई ले गया और दवाई ले जाने के बाद मैंने जो है लगभग 2 महीने हो गए दवाई खाई, पूरे दम भर के दवाई खाई, कोई जो परहेज बता रहा वो मैं करता रहा, कोई इनका परहेज नहीं तोड़ा, परहेज के साथ मैंने दवाई खाई। आज मेरी आवाज़, मेरे गले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दर्द पीड़ नहीं है, आवाज़ मेरी खुल गई है और बस मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी दवाई से आराम हुआ है और अच्छे दवाई देते हैं। गुरु जी, यहाँ पर मैं सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि त्योहारों के समय में मीठे का चलन ज़्यादा होता है और ऐसे में यदि कोई शुगर का पेशेंट है या बहुत ज़रा भी उसको शुगर की प्रॉब्लम है जो उसे पता भी नहीं, ऐसे में मीठे से वो कैसे बचे, या अगर घर में भी कुछ बनाना चाहे तो उसमें मीठा यानी चीनी तो डालनी पड़ती है, तो ऐसे में उसको नुकसान ना हो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, यदि आप खाना खाते समय लहसुन प्याज अदरक इसकी चटनी बना के सलाद के रूप में या पानी में मिला के दे रहे हैं जी, तो आपके खाए पिए का जितना भी पॉइजन है उसको नष्ट कर देता है। लहसुन प्याज अदरक त्रिवेणी है, त्रिवेणी में स्नान करने से आपके पापों से मुक्ति मिले चाहे ना मिले, परंतु लहसुन प्याज अदरक कच्चा चटनी के रूप में, सलाद के रूप में, जूस के रूप में पीते हैं तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर अंग की ऐसे रक्षा करता है जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है जी। तो दर्शकों, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जानकारी हमें ऐसी दी गई है, क्योंकि हमें हर चीज़ से बचना भी है, हमें त्यौहार भी मनाने हैं, हमें सामाजिक परंपराएं भी निभानी हैं, हमें अपने भोजन में भी उस चीज़ों को ग्रहण करना है, तो इन सब के बावजूद भी हम अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको दी गई है जिसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं सवालों के लिए, आगे बढ़ते हैं, और जो जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस पूछे हुए हैं उन दर्शकों का सवाल हम ले लेते हैं। राहुल देव जी हैं, 34 वर्ष की उम्र है, नई दिल्ली से बात कर रहे हैं और ब्रेन हेमरेज की समस्या हुई थी इनको, अभी फ़िलहाल पैरालाइज हुआ है इनको लेफ्ट साइड में, और उसके लिए जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर उसी को होता है जिसका नज़ला दिमाग के अंदर सूख जाए, और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है, क्योंकि मेरे पास ब्रेन हेमरेज के जो मरीज आते हैं वो जब थक जाते हैं सब जगह हाथ खड़े हो जाते आते हैं, और जिस दिन आते हैं उसी दिन 10-15% आराम मिल जाता है। अब अधरंग मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। अधरंग में नसों के अंदर खून जम जाता है, नसें सिकुड़ जाती हैं, और इसका इलाज आज पूरे संसार में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरिस्टिका में बिल्कुल नहीं है। दवाइयाँ देके आपका शरीर सुन किया जाता है, रोग करता नहीं है, परंतु मेरा स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिस दिन अधरंग का रोगी आता है, नाड़ी परीक्षण के बाद जो उसको दवाइयाँ दी जाती हैं उन दवाइयों से उसी दिन उसको 10-15% आराम मिल जाता है, 2 महीने में उसके अधरंग का नामोनिशान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और इसके साथ एक्यूप्रेशर
करने से नसें ऐसे खुलती हैं जैसे पानी में से तिनका निकाला जाता है। फिलहाल हम इस कार्यक्रम से आपसे इजाज़त लेंगे। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।